सोच जाती हूँ, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं आज, मगर मैं कॉल्स नहीं ले सकूँगी। आप ये मत सोचिएगा कि कल कल तो नहीं है शो, मगर परसों आपकी मैं कॉल सुनूंगी इंशाल्लाह ताला। एक हम रोलिंग करेंगे अपना कंटेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे शो का, जिस तरह से होता है। तो सारी कॉल्स आप लोगों ने मुझे दोबारा करनी है परसों इंशाल्लाह। और आज रात का भी हमारा एक शो है जो कि मेरे साथ होस्ट करेंगे अली अब्बास, और उस शो में बहुत कुछ है आपके लिए, क्योंकि हम न्यू ईयर काउंट डाउन करेंगे आपके लिए, और उसका नाम है 12 का आइटम, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ एक आपको बताती चलूँ कि मैसेज आप हमें कर सकते हैं SKF space 2886 पे, मगर वो उस तरह से कि SKF space करें, मैसेज सेंड कर दें 2886 पे। कहने का एग्जैक्टली यू नो फिगर ये है कि आप इस तरह से मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, एक मैसेज आया था मेरे पास नदीम के लिए, तो वो मैं पहले बताना चाहूँगी कि आपके लिए मैसेज आया एक लड़की का कि आप शादीशुदा होना कब पसंद करेंगे। ये मुझे पिछली ब्रेक पे आया था बट मैं बोलना भूल गई, क्योंकि मेरी तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है सर। एक्सपीरियंस नहीं, एक सेकंड, एक्सपीरियंस की होता है? अच्छा सुने, एक्सपीरियंस की होता है? नहीं मैं बताता हूँ, एक्सपीरियंस की होता है, सवाल नहीं चेंज करना है। एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको कि एक्सपीरियंस क्या होता है, की होता प्यार है। हाँ, एक्सपीरियंस की होता प्यार वो ये है कि अंकल बैठे हैं मेरे, अंकल भी हैं, ये तो एक्सपीरियंस, ये एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं इस बारे में। मैंने जो लाइफ देखी नहीं, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, लाइफ देखी थी, कब करूँगा या कब कैसा होगा, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनका ये क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं था, सवाल बदल दिया, एक्सपीरियंस की होता प्यार है ये था। मेरा मतलब है नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, पछताएंगे, करेंगे तो भी पछताएंगे। नहीं मैंने कहा नहीं करोगे तो क्या करोगे, हाँ एक्सपीरियंस करूंगा। यहाँ हंसना था, यहाँ हंसना था, लेट लाफ्टर लगा देते हैं। अच्छा आप बताएं, 7 साल हो गए आपको माशाल्लाह इंडस्ट्री में, अब 7 साल से आप काम कर रही हैं, तो आपको भी ये तो नहीं कहूंगी कि अब क्या ये यूं यू नो कैसा लगता है सारा कुछ, आपको नए आने वाले लोगों में कौन अच्छा लगता है सारा ये तो बताएं। कौन अच्छा लगता है वैसे, ज्यादातर तो मुझे पता ही नहीं कौन कौन काम। आला इस पे हंसना था, हंसे। लेकिन ये कि जो भी काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो सीख कर बकायदा वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए ज्यादा एडवांटेज। आप वैसे ज्यादा किसको पसंद करती हैं एज एन एक्टर आल्सो? उस्मान जी भी बैठे हुए इंस्टीट्यूट, जी भी बैठे हैं, हुमायूं जी भी बैठे हैं, बिल्कुल हुमायूं। तो अब आप इंस्टीट्यूट किसको समझती हैं अपना, जिनसे आपने बहुत ज्यादा सीखा, जिनके कामों को बहुत ज्यादा देखा? बस यही लोग हैं, इनको ही देख देख के सीखा है, और आगे भी अभी तक सीख रहे हैं हम लोग। जाहिर सी बात है एक्टिंग तो ऐसा एक समुंदर है जिसमें आप जितने मतलब उतरे आप डूबते ही जाते हैं, और लाइक इस तरह का कुछ कहना चाहिए ना, थोड़ी सी मैंने हंसी हंसी जरा थोड़ी सी। एक तो ये सही है, मेरे आर्टिस्ट मेरे गेस्ट जो है खुद फरमाइशी लाते हैं, फरमाइशी ना थोड़ा सा आला है बेस्ट है, तो ये तो मतलब जितना आप सीखते जाए उतना ही कम है। अच्छा वैसे जोड़ियाँ किस किस की ज्यादा पसंद है? एक जोड़ी तो हमारे सामने मिसाली बैठी है माशाल्लाह के, समीना पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत गुड लुकिंग कपल्स में माशाल्लाह, और उसके अलावा और आपको हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक मोहम्मद अली एंड जेबा जी की उनकी जोड़ी इतनी खूबसूरत जोड़ी, वो भी बहुत 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 सारे ऐसे कपल्स हैं लाइक खयाम साहब, उनकी भी जोड़ी इतनी अच्छी थी। वैसे खयाम साहब का नाम आपने लिया, ये मैं शो के एंड में बात भी करूंगी इसके बारे में, और मैं उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी एंड में कि उस बात पे बल्कि एक हमने कमेंट भी करना है। इवन अभी आजकल सुहेल सोफिया जी जी उनकी हाँ, एक हाँ, है जोड़ी वो भी बहुत खूबसूरत मतलब बहुत जब भी इकट्ठे आते हैं, और अब रीमा जी की भी जोड़ी हो गई माशाल्लाह, रीमा जी की भी हो गई है, सो हैप्पी फॉर हर। बल्कि कोई कमेंट करेंगे, रीमा जी की शादी हुई है और मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे उनके मियाँ हैं, और बहुत खुश थी उनके इंटरव्यूज हमने देखे, चीज़ें देखी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपको हमारे शो में बुला के मुलाकात भी करवाएंगे। तो कोई कमेंट करना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री की जो शादियाँ होती हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं माशाल्लाह, तो ये होता है एक्सपीरियंस। ओके यस, तो आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? आई वुड लाइक रीमा टू बी वेरी हैप्पी इंशाल्लाह, एंड आई प्रे फॉर हर दैट शी शुड हैव अ ग्रेट वंडरफुल मैरिड लाइफ। वाह, और वैसे भी बहुत खानदानी है, बड़ा उनका वो एक है कि मैं खानदान को लेके चलूं, और मुझे लगता है बहुत अच्छा उनकी लाइफ, बहुत रख रखाव उनका, रीमा जी का मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारी फिल्म स्टार सब बहुत अच्छी हैं, बट रीमा जी मेरी बहुत फेवरेट है। एनीवे तो आप इसकी तरफ आते हैं कि मैं आपके ड्रामे का नाम ले रही थी उस वक्त, तो ये ड्रामे का एक्सपीरियंस और फिल्म का एक्सपीरियंस दोनों कर लिया,
तो दोनों में क्या फर्क लगा आपको, फिल्म और फर्क का जहाँ तक ताल्लुक है जी, कि ड्रामा मुझे टीवी स्पेशली ये बहुत बहुत बेहतर लगा, बहुत बेहतर लगा, बहुत बेहतर लगा। वैसे मौसिकी से लगाव है आपका? जी हाँ, सुनने की हद तक। ये आपने पहले ही मुझे शटअप कॉल दे दी, फिजा नो नो वे। आप क्या समझती हैं मेरी आवाज ये आपको कोई टास्क देने वाली थी? मेरी टास्क नहीं, माफ करें, माफ करें, ले ले। आप क्या समझती हैं मेरी आवाज गाने वाली है? नहीं, वैसे आपकी आवाज में बहुत बेस है। बेस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ बेस ही काफी नहीं, सुर भी जरूरी है, ताल भी जरूरी है, बहुत कुछ जरूरी है, कौसे कजा होना जरूरी है सुर का। अच्छा, कोई शेर हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के लिए, कोई शेर? शेर मुझे याद तो नहीं रहते, लेकिन खालिद अहमद का एक शेर है, वो मुझे कभी भूलता ही नहीं। जी बिल्कुल। तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, न तू न मैं, ये क्या के चैन से सोया न तू न मैं। हाय हाय, क्या बात है कि क्या के चैन से सोया, ये क्या के चैन से सोया न तू न तू न मैं। अरे आला, बहुत आला, बहुत आला, वेरी नाइस, तालियां। ये सही जगह पे तालियां बजी है वैसे, क्या बात है। हेलो। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए कि फिल्म नौटंकी से आपको मेरे ख्याल से तो 4 नेशनल अवार्ड्स मिले थे, उस फिल्म के डायरेक्टर भी आप थे, नज़दीकियां, बल्कि आई एम सॉरी मैं नाम गलत ले रही हूँ, नज़दीकियां फिल्म से आपको 4 नेशनल अवार्ड्स मिले थे, 4 नेशनल अवार्ड्स आउट ऑफ 11। ओ माशाल्लाह। और आप उसके डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे, राइटर भी थे, राइटर भी थे, तो इतना कुछ एक साथ आपने ये फिल्म में दिया था, और उसके बाद 4 नेशनल अवार्ड्स एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे आपने या किए थे कि मुझे मिलेंगे? नहीं, आई डिडंट एक्सपेक्ट। इनफैक्ट उस साल प्रोड्यूसर एसोसिएशन को कहा गया था कि वो अपनी सिलेक्टेड फिल्में भेजें, फॉर द गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मेरी पिक्चर को शामिल नहीं किया था उसमें, जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है। तो बरकी साहब, अज़हर बरकी कैमरामैन थे मेरी फिल्म के, तो वो लड़ के मुझसे प्रिंट लेकर गए थे, उन्होंने अपनी तरफ से जमा कराया था प्रिंट एज हिज बेस्ट वर्क दैट ईयर, यू नो। तो माशाल्लाह, नज़दीकियाँ वॉन द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, नज़दीकियाँ वॉन द बेस्ट फोटोग्राफी ऑफ द ईयर, क्या बात है, नज़दीकियाँ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर फॉर समीना, क्या बात है, एंड नज़दीकियाँ वॉन द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये पहला साल था कि मलका तरन्नुम नूरजहान हमेशा ये अवार्ड विन करती थी, तो ये अवार्ड महानाज ने विन किया था, क्या बात, व्हिच वाज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। गोरी दिया झांझरा भी 6 नेशनल अवार्ड्स लेके गई थी, 7 आउट ऑफ 11। वाओ, अच्छा ये भी, ओके ओके ओके, इट वन 7 नेशनल अवार्ड्स, उसमें बेस्ट फोटोग्राफी, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट म्यूजिक कंपोजिशन, क्या बात, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट, जो कि सैयद नूर और मेरे दरमियान में था, because screenplay and story was done by me, Sayed Noor had done the dialogues for that. Kya baat hai, acha. It won the best award as an actor for the first time for Babra Sharif. Oh wow. It won the best supporting actor for Mustafa Qureshi sahab. So, balki 8 award the hamare, to 8th jo award tha wo sound ka tha. Lekin sound jinhone ki thi Shah sahab, wo committee mein bhi the. Acha. Award committee mein member the. To unhone wo wala award refuse kiya tha because he was a part of the committee. तो अवार्ड उनके बाद जो साहब थे उनको दिया गया था। क्या बात है। पपेट शो भी कराते हैं आप माशाल्लाह पाकिस्तान में, उसका क्या स्कोप है, आपको क्या स्कोप दिखता है पपेट शो? ह्यूज, मैसिव। आई मीन पपेट इज यू सी, जो बच्चा है हमारे, बच्चा इज अ ह्यूज बिग एंड अ डिफिकल्ट ऑडियंस, एंड आई पर्सनली फील कि बच्चों के लिए इस मुल्क में बहुत कम काम हुआ है, खासतौर पर रफी पीर थिएटर वर्कशॉप का, तो रोमांस पिछले 30-35 साल का है विथ चिल्ड्रन, 1974 से ऑनवर्ड्स जो बच्चे थे जो हमारे शोज देखने आते थे उस ज़माने में, अब वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, मतलब दिस इज़ हाउ लॉन्ग। एंड ख़ास तौर पे अभी जो हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जो प्रोड्यूस किया है, जिसको लिखा है, दैट इज़ सिम सिम हमारा, जो पाकिस्तान टेलीविजन से चलता है, क्या बात, सैटरडेज को 5:30। बिल्कुल, तो वो प्रोग्राम जो है वो भी एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, डिज़ाइंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। इसके लिए हमारा जो इल्हाक है वो सेसमी स्ट्रीट न्यूयॉर्क के साथ हम मिलके ये प्रोडक्शन डिज़ाइन किया। बड़ी बात है कि आप मतलब बच्चों के लिए भी चीज़ें सोचते हैं, और स्पेशली आपने मुल्क के लिए बल्कि कुछ किया कि आप मुल्क के लिए काम करें। अब मैं मायरा को थोड़ी सी दावत दूंगी कि आके ज़रा ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। आप मैं लूं ब्रेक?
बच गई हैं, बहुत आपने तालियां बजाई हैं। नहीं नहीं आप आए, आपने बहुत तालियां बजाई हैं, ये आपकी ब्रेक है, आ जाइए क्योंकि बिल्कुल टाइम हमारे सर पे। तो जी मायरा जी ब्रेक लीजिए, बैठा लेते हैं ना। मेरा शरारा हील में फंस गया था इसलिए आपको उठाया था। कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक। यस,